बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। यूट्यूब चैनल करियर कोचिंग पर तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद कहता हूँ। अरसलान अरशद मेरा नाम है और आज की इस वीडियो में हम फेडरल बोर्ड के एग्ज़ाम्स के मुतल्लिक कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। आगे चलने से पहले आपको बता दूँ कि ये वीडियो स्पेशल PSS के पंजाब सुपीरियर स्कूल के बच्चों के लिए बनाई जा रही है। मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है बच्चों में जो मैट्रिक के बोर्ड के बच्चे हैं कि वो शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो 2.5 से 3 लाइंस का शॉर्ट क्वेश्चन याद कर रहे हैं और लॉन्ग क्वेश्चन वो 5 से 7 लाइंस का 5 to 7 लाइंस का लॉन्ग क्वेश्चन याद करने को बहुत ही बड़ी बात समझते हैं। तो उन बच्चों को मैं आज बताना चाहता हूँ, उनको मैं फेडरल बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर ले कर चलता हूँ, उनके साथ आंसर शीट शेयर करता हूँ ताकि उनको पता चले कि शॉर्ट क्वेश्चन आपका कितनी लाइंस का होना चाहिए और लॉन्ग क्वेश्चंस आप लोगों का कितनी लाइन का होना चाहिए। तो मैं आपको लेके चलता हूँ फेडरल बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये फेडरल बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आंसर शीट्स जो हैं वो आ चुकी हैं और आज की इस वीडियो में जो सबसे पहले आंसर शीट मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ वो SSC वालों के लिए हैं, Part 1 and Part 2, या जिसे हम 9th या 10th कह सकते हैं। ये देखें, इंग्लिश की वर्कशीट है, उर्दू की है, फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो कंप्यूटर साइंस की है, मैथ्स की है, ठीक है जी, और इस्लामियात की है। तो ये पांचों शीट्स जो हैं वो यहाँ पर जो है एक दो ये इस्लामियात की ओपन नहीं की थी, ये भी मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। तो पांचों शीट जो हैं वो मैंने ओपन कर ली हैं। अब मैं एक एक करके आपको बताता हूँ कि किस पेपर के लिए आपने जो क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन कितनी लाइंस का याद करना है और लॉन्ग जो है वो कितनी लाइंस का याद करना है। सबसे पहले जो है हम आ जाते हैं अपने साइंस सब्जेक्ट की तरफ, बायो, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और कंप्यूटर, ठीक है। यहाँ पर आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा इसका जूम कम करता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा क्लैरिटी से नज़र आए। यहाँ से मैं इसका जूम कम करता हूँ और आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, और वो तमाम बच्चे PSS के बच्चों को स्पेशल मुखातिब करके कह रहा हूँ कि जो 2.5 से 3 लाइंस का शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का आंसर याद कर रहे हैं वो ज़रा अपनी आंखों से देखें। ये 2024 में जो आपके पेपर्स आएंगे तो आपकी जो शीट है उसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, 13, 14 लाइंस आ रही हैं, यानी कि आप जिस कैपेसिटी का लॉन्ग क्वेश्चन याद कर रहे हैं इतना आपका शॉर्ट क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है जी। ये मैं साइंस सब्जेक्ट हैं, बायो, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, उसकी शीट्स आपको बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 2 देख लें, 3 देख लें, ये सारा जो है यहाँ पर जो तकरीबन हर क्वेश्चन के लिए वो 14-14 लाइन जो हैं यहाँ पर मुख्तस की गई हैं। तो आप लोग खुद देख लें कि अगर आप 2 से 2.5 नंबर का आंसर याद करके बोर्ड के एग्ज़ाम में आएंगे तो फिर आप लोगों का C और D ग्रेड आने से आप खुद भी नहीं बचा सकते। आप लोग फिर ये कहेंगे कि मेहनत तो हमने खूब की थी, हमारे मार्क्स नहीं आए। तो आपके मार्क्स इसलिए नहीं आए कि आपने मेहनत अपनी मर्ज़ी के हिसाब से की थी। क्लास रूम में भी मैंने बच्चों को कई दफ़ा कहा, 9th-10th वालों को, शायद वो मेरी बात को इतना ऑब्ज़र्व नहीं करते। अपने इस प्लेटफॉर्म के थ्रू भी आप बच्चों को और भी जो बच्चे किसी और स्कूल में, किसी और यूनिवर्सिटी बोर्ड के मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो बच्चों आप लोगों ने जो तैयारी करनी है ना वो 14 लाइंस का शॉर्ट क्वेश्चन करना है और साथ ही हम लॉन्ग को देख लेते हैं। यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है तो यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि आप ये देखें क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो शुरू हो चुका है यहाँ पर, ठीक है। Page 1 सारा जो इस पर आपने क्वेश्चन नंबर 3 लिखना है, Page 2 पर भी आपने क्वेश्चन नंबर 3 लिखना है, तो 2 पेजेस का आपने लॉन्ग आंसर लिखना है। अब वो तमाम बच्चे जो मैट्रिक की 9th की 10th की तैयारी कर रहे हैं, मेरा उनसे ये सवाल है कि आप लोगों की प्रेपरेशन इस आंसर शीट के अकॉर्डिंग है? अगर तो है तो फिर आपकी पोजीशन आने से कोई भी बंदा नहीं रोक सकता, और अगर नहीं है तो फिर आप देख लें कि आप किस पॉइंट पर खड़े हुए हैं। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी अगर आपके मार्क्स नहीं आते तो फिर जो है उसकी ज़िम्मेदारी आप पर होगी। मैं इसीलिए 5 से 6 महीने पहले ये वीडियो एडवांस में बना रहा हूँ, ऐसा ना हो कि आप लोग कहें कि जी ये वीडियो जो है वो हमें 3 अप्रैल में मिली है, काश पहले मिल जाती तो हम कोई तैयारी कर लेते। आज जो है वो 26 अक्टूबर 2023 का दिन है,
ऑलमोस्ट 5 महीने 6 महीने पहले मैं तमाम उन बच्चों को बता रहा हूँ जिन्होंने 9th और 10th के एग्ज़ाम देने हैं, उनको मैंने अभी बता दिया है कि आपको जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो मिनिमम 10 से 14 लाइन का होना चाहिए, और जो लॉन्ग क्वेश्चन है इन लाइंस को भी मैं आपको गिन के बता देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर जो एक पेज पे जो लाइंस आ रही हैं वो आ रही हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और यहाँ तक। अच्छा 13 के बाद 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ऑलमोस्ट 30 कर लें। तो 60 लाइंस का आप लोगों ने लॉन्ग आंसर लिखना है, लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ पर बच्चों आप लोग अपनी तैयारी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी क्या पोजीशन है। अब भी कुछ भी नहीं गया, अगर आप आज इस वीडियो को आप लोग देख रहे हैं और आपकी जो तैयारी है वो इस शीट के अकॉर्डिंग नहीं है तो कोई बात नहीं, अभी भी बहुत टाइम है, आज से स्टार्ट करें, अभी से शुरू करें। शॉर्ट क्वेश्चन आपका जो है वो मिनिमम जो है वो 8 से 10 लाइंस का हो, लॉन्ग क्वेश्चन आपका 60 लाइंस का हो। तो जब आप ये सारी इस तरीके से अपनी शीट पे आंसर लिखेंगे तो इंशाल्लाह आपकी बोर्ड में पोजीशन आने से कोई भी नहीं रोक सकता। अब हम जल्दी से मैथ्स और डिफरेंट जो दूसरी शीट्स हैं उनको भी देख लेते हैं। मैथ्स में तो चलें हम ये नहीं कह सकते कि आपने जो है क्वेश्चन के जब सारे स्टेप्स आप लोगों ने कर लिए तो उसमें फिर कोई इसकी कोई ख़ास लॉजिक नहीं बनती। इस तरह हम उर्दू की शीट देख लें तो उर्दू की शीट में भी आप लोग देख सकते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए यहाँ पर हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लाइंस आ रही हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, और जो है वो इनके तो चलें शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। लॉन्ग के लिए हमारे पास जो है वो जब मज़मून वगैरह हम कह सकते हैं उसके लिए आप देख सकते हैं 2 पेजेस आ रहे हैं, बिल्कुल 2 पेजेस आ रहे हैं जिस पर आपने जो लॉन्ग टॉपिक होंगे जैसा कि ऐसे हो गया, एप्लीकेशंस वगैरह होगी, तो आपने इस इनकी आंसर शीट्स के अकॉर्डिंग आप लोगों ने अपनी तैयारी करनी है। इसके अलावा ये इंग्लिश की शीट है, इंग्लिश में भी ऑलमोस्ट सेम ही है, और इसके अलावा ये इस्लामियात वगैरह की, पाकिस्तान स्टडीज़ की। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ 9th 10th वाले बच्चों को मेरा ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा कि आपने एग्ज़ाम्स की तैयारी किस पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है। अब हम बात कर लेते हैं 1st ईयर और 2nd ईयर वालों की, यहाँ पर उनकी शीट्स भी मेंशन हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि वो 1st ईयर और 2nd ईयर के बच्चे जो मेरी वीडियो देख रहे हैं उन्होंने कैसे तैयारी करनी है। यहाँ पर जी ये था SSC का, अब नीचे मेरे ख्याल से आ रहा है HSSC। तो बच्चों 1st ईयर वालों 2nd ईयर वालों जिन्होंने पेपर्स दिए, अच्छा इसमें यह भी है कि ये वीडियो देखने से वो बच्चे जो कि 10th में हैं और 2nd ईयर में हैं जिनके 9th में इतने अच्छे मार्क्स नहीं आ सके, इस वीडियो से उनको एक प्लान मिलेगा कि उन्होंने कैसे अपने मार्क्स बेहतर करने हैं और पीछे जो कम मार्क्स आए हैं उसकी रिकवरी भी कैसे करनी है। तो HSSC वालों अब मैं आपको आप लोगों की शीट्स दिखाता हूँ, आप लोग ये भी देख लें ताकि आप लोगों की गलत फहमी भी दूर हो जाए, पता चले 2-2 लाइंस के जो है वो आप शॉर्ट क्वेश्चन और 5-5 लाइंस के लॉन्ग क्वेश्चन आप लोग करके बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को ये दिखाता चलूँ, उर्दू की शीट आ गई, इसको छोड़ें हम किसी और सब्जेक्ट को देखते हैं, ये इंग्लिश की है, कुछ साइंस सब्जेक्ट हम लोग देख लेते हैं। ये मुझे साइंस की लग रही है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ऑलमोस्ट उनसे ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 2 पेज 1 है, पार्ट 1, इसके लिए आप देखें 1 पेज है, एक एक पेज के जो है ना वो यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर्स आ रहे हैं, आप ख़ुद भी देख सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है, ये देखिए फेडरल बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है और आप लोगों ने गूगल सर्च में जाके लिखना है कि FB, चलिए मैं इसको इंग्लिश में कर लूँ, आप लोग ख़ुद भी इसकी तसल्ली कर सकते हैं, FBISC आंसर शीट, FBISC आंसर शीट लिखेंगे तो ये जो सबसे पहले वाला ऑप्शन आएगा इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोग जो हैं वो फेडरल बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। ये देखिए ये 2024 लिखा हुआ, पता चले आप कहें सर हमें कोई पुरानी दिखा रहे हैं, ये 2024 लिखा हुआ है, ये वो आंसर शीट्स हैं जो अप्रैल मई जून के महीने में जब आपके एग्ज़ाम्स होंगे तो ये शीट्स आपको दी जाएंगी। इन्हीं शीट्स के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोगों ने तैयारी कैसे करनी है। तो यहाँ पर ये साइंस सब्जेक्ट हैं, आप साइंस सब्जेक्ट को देख लेते हैं, आप देख लें यहाँ पर जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
14 लाइंस का, ठीक है, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वाले बच्चों, तो आप खुद अभी अपना अपने आप को एग्ज़ाम कर लें, एनालिसिस कर लें कि आप जो शॉर्ट क्वेश्चन याद कर रहे हैं फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, क्या आपका आंसर 14 लाइंस के बराबर है, तो ये भी देख लें। इसके अलावा लॉन्ग में आपको बता देता हूँ यहाँ पर कि वो भी ऑलमोस्ट 2 पेजेस और उससे ज़्यादा के होंगे, कम नहीं हो सकते। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 1 है, एक पेज पूरा है और दूसरा पेज भी पूरा है, और ये देखें तीसरा पेज भी आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 3, ठीक है। तो 3 पेजेस पर ऑलमोस्ट 90 लाइंस का बच्चों आप लोगों ने जो लॉन्ग आंसर है, जो लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर्स हैं, वो आप लोगों ने याद करने होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाले बच्चों को मैं ये समझा पाया कि आप लोगों ने कितनी तैयारी करके जानी है। बच्चों इसके अलावा 2 वीडियोस और बहुत इम्पोर्टेंट हैं, मैं जो है अभी उनके कार्ड लगा देता हूँ। एक वीडियो ये है कि आपने एग्ज़ाम्स में कौन कौन सी स्टेशनरी लेके जानी है और कौन कौन सी स्टेशनरी नहीं लेके जानी, वो वीडियो भी आप लोग देख लीजिएगा। और एक वीडियो ये है कि आप लोगों ने पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है, रोल नंबर कैसे लिखना है, शीट को कैसे फिल करना है, अगर कोई गलती हो जाती है तो आपने उस गलती से कैसे वापस आना है, उस दोनों वीडियोस का जो लिंक है वो एंड में जो कार्ड्स आएंगे वहाँ पर उन दोनों वीडियोस का लिंक लगा रहा हूँ, वो लाजमी देखिएगा, वो आपके बहुत काम आएंगी, और पेपर में जाने से पहले तो लाजमी उनको देख लीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक करके इसका इजहार कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं और इस तरह की मुफीद मालूमात मुस्तकबिल में भी हासिल करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।